नरलाखी प्रखंड के विभिन्न गांव में हनुमान जयंती के अवसर पर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर प्रखंड के सोटगांव गांव में 5 दिवसीय महावीर झंडा व पूजा का शुभारंभ हुआ, जहां 251 कन्याओं ने वह कलश शोभा यात्रा निकाली। कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ भारत नेपाल स्थित पवित्र जमुनी नदी पहुंची, जहां से कलश में पवित्र जल भरकर वापस महावीर झंडा के पास पूजा स्थल पर पंडितों के द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ विधिवत स्थापित कराया गया। वही भाजपा वरिष्ठ नेता गौरी शंकर महतो ने सभी कलश यात्रियों के बीच प्रसाद के रूप में खीर का आहार वितरण किया गया। इस अवसर पर पूजा व मेले का नेतृत्व कर रहे अध्यक्ष महेंद्र सादा, पंचायत के उप मुखिया चंदन कुमार महतो, राम नारायण राम, बदरी सादा, अनूप सादा, दिलीप सादा, जितेंद्र महतो, अंकित पांडे, गर्भू मंडल, मिथुन मंडल, सुंदर सादा, संतोष महतो समेत अन्य बताया कि महावीर झंडा पूजा व मेला संपूर्ण ग्रामीणों के सहयोग से किया जा रहा है। वही रेडियाही गांव में ग्रामीणों के सहयोग से हनुमान जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय पूजा व मेला का आयोजन किया जा रहा है, जहां पहले दिन 71 कुमारी कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा निकाली। वही हनुमान जयंती के अवसर पर बिसोल गांव में हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा व मूर्ति स्थापित किया गया। सभी कलश यात्री काली मंदिर का परिक्रमा कर बिसोल विश्वामित्र आश्रम पहुंची, जहां पवित्र तालाब से जल भरकर पूजा स्थल पर सभी कलश को स्थापित की। इस दौरान जय श्री राम जय हनुमान से पूरा गांव गुंजमान हो रहे थे। हनुमान जयंती को लेकर पूरे इलाके में भक्ति का माहौल बना हुआ है। खड़ा करवाया गया और झंडा को सही तरीका से एकदम नियम निष्ठा से करवाया गया। क्या नाम है? चंदन कुमार महतो, सोटगांव पंचायत उप मुखिया। बताया कितना खुशी है युवाओं में आज जो महावीर झंडा को लेकर यहाँ पर? बहुत जोश के साथ, बहुत जोश क्रोश के साथ में काम हो रहा था और अच्छे ढंग से हुआ है। कितना खुशी आप लोगों को? जी खुशी तो बहुत है, सभी ग्राम वासियों ने एक साथ मिलकर अपना दोस्तों के साथ साथ अपना इस कार्यक्रम को संपन्न किया है। कितना उत्साह आप लोगों को? हम लोग में बहुत खुशी है, झंडा के होने से बहुत खुशी है। हम लोग मिलजुल कर मतलब खुशी बांटेंगे। एक दिवस से मेला लगाया गया है, इसमें 5 दिवस मतलब मेला होगा। यहाँ झूला है, यहाँ टावर झूला है, सब कुछ है। सांस्कृतिक कार्यक्रम 4 रात।